नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित लांजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर पुचवारी टोला निवासी एक युवक की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसका शव गांव नेवरवाही के पास सड़क पर आज सुबह देखा गया। नक्सलियों ने शव के पास एक चेतावनी भरा पत्र भी छोड़ा है, जिसमें लिखा गया है कि पुलिस के लिए मुखबिरी करने वालों का यही अंजाम होगा। ये उल्लेखनीय है कि गत 9 पुलिस नक्सलियों के बीच पुचवारी टोला के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। संभवतः पुलिस उसकी खबर सोनू द्वारा दिए जाने की आशंका को लेकर नक्सलियों से इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी मिली है कि मृतक सोनू टेकाम रविवार रात से लापता था, जिसका शव आज ग्राम नेवरवाही के पास बीच सड़क पर मिला है। एसपी अभिषेक तिवारी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शव का पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही हत्या किस हथियार से की गई है इसका पता चलेगा। फिलहाल अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। आज सुबह लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि बताया गया कि ग्राम नेवरवाही के पास में एक ग्रामीण का शव पड़ा हुआ है, जो संदिग्ध हालत में है। जैसे देखकर उसके पास कुछ एक कागज भी पड़ा हुआ था, जिसमें ये दर्शाया गया था कि ये इनकी हत्या की गई है। उनकी बॉडी में चोट के निशान भी थे और खून बह रहा था। उनको हमने वहाँ से लाकर उनका पीएम कराया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद और क्लियर होगा कि इनकी हत्या किस माध्यम से हुई है, गोली लगी है या धारदार हथियार से। और आसपास के क्षेत्र में इनका जो नाम बताया जा रहा है, उससे भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। इनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, जैसे ही वो इनकी आइडेंटिटी क्लियर होती है, उस आधार पे विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी और क्लियर किया जाएगा कि ये पूरा क्या मामला है। सर, बताया जा रहा है कि गोली लगी है, वो पीएम के बाद एकदम कंफर्मेशन हम आपको दे पाएंगे। एक बार पीएम हो जाए, उसमें से क्लियर होगा कि बुलेट वुंड है या क्या।